नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लगातार पुलिस प्रशासन को शहर में नाबालिग युवक युवतियों द्वारा फर्राटे से वाहन चलाने की शिकायत मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने ट्रैफिक विभाग को इन नाबालिग वाहन चालकों पर एक अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। उसी निर्देश के मद्देनजर रायगढ़ ट्रैफिक विभाग द्वारा आज शहर के 0 पॉइंट सत्तीगुड़ी चौक में नाबालिग वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई। साथ ही जो लोग बगैर मास्क के भी वाहन चलाते मिले उन पर भी कार्यवाही की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, जिससे कि नाबालिगों में वाहन चलाने को लेकर कार्यवाही का भय हो। साथ ही साथ उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दे, जिससे कि दुर्घटनाओं में लगाम लग पाए और एक्सीडेंट में कमी आए, और इस प्रकार के अभियान निरंतर जारी रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि आज करीब 10 नाबालिगों पर कार्यवाही की गई है। कि कहीं पर भी कोई भी गलती हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई है। 10 ऐसे वाहन चालक जो नाबालिग थे उनको जब्त किया गया है, उनके पालकों को बुलाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और ये बीच बीच में अभियान चलता रहता है, क्योंकि बच्चे, अगर कहीं बच्चे के हाथों में आप कोई वाहन देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो स्पीड से चलाते हैं और उनको उतना रूल ऑफ द रोड का पता नहीं रहता और कोई दुर्घटना हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस की कार्रवाई है, इस पर कार्रवाई की गई।